कभी कभी हमारे घरों में सुबह के खाने के बाद चावल बच जाते हैं और हम लोग उसे फेंक दिया करते हैं। मैं भी ऐसे ही किया करती थी, लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में ये बात आई, क्यों नहीं इस लेफ्ट ओवर चावल से कुछ बनाया जाए। और मैंने बहुत स्वादिष्ट सा नाश्ता बनाया, और ये नाश्ता है कटलेट। इसे मैंने कैसे बनाया, आज मैं इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सुबह के बचे चावल को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया। इसमें ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला, और उसमें बारीक काटकर हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, प्याज, अदरक ये सब डाला, और उसको उससे फिर कटलेट बना लिया। इस तरह से मैंने उसे कटलेट का शेप दिया। सारे कटलेट को मैंने बनाकर एक बार रख लिया। इसके बाद मैंने 2 चम्मच बेसन लिया। बेसन में मैंने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड किया, साथ ही मिर्च पाउडर और टर्मेरिक पाउडर डालकर। इसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड किया और एक गाढ़ा सा घोल तैयार किया। ये नाश्ता इतना स्वादिष्ट बना कि सभी इसे मांग मांग कर खाएं। ये घोल तैयार हो चुका है। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रखा, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला और तेल को गर्म होने के लिए गैस ऑन कर दिया। जब तक तेल गर्म हुआ, तब तक मैंने बेसन में हरी धनिया की पत्ती छोटे छोटे बारीक काट कर उसे मिक्स कर लिया। इससे मेरे नाश्ते का टेस्ट दोगुना हो गया। जब तेल गर्म हो गया, तब मैंने एक एक कटलेट उठाया और बेसन के घोल में उसे लपेट कर गर्म तेल में सावधानी से डाल लिया। एक एक कर सारे कटलेट्स को मैंने डाल लिया। जब एक तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया, तो उसे पलट कर दूसरी तरफ से मैंने फ्राई कर लिया। और शाम के नाश्ते में ये लेफ्ट ओवर चावल का नाश्ता मैंने सभी को गर्मा गर्म चटनी के साथ दिया। सभी ने इसे बहुत पसंद से खाया और मांग मांग कर खाया। और मिनटों में ये लेफ्ट ओवर चावल का नाश्ता फिनिश हो गया। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी यदि अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।